पहला स्पेस डे आज, एक साल पहले चंद्रयान लैंड हुआ था। अगले साल स्पेस में जाएंगे भारतीय एस्ट्रोनॉट, चांद पर जाने का भी प्लान। आज पहला नेशनल स्पेस डे है। आज से ठीक एक साल पहले यानी 23 अगस्त 2023 को भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना था। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेस डे मनाने की घोषणा की थी। नेशनल स्पेस डे 2024 की थीम है टचिंग लाइव व्हील टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा। दिल्ली के भारत मंडप में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2025 में गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन का पहला अनमेड लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस साल दिसंबर में होगा। इसरो चेयरमैन ने बताया कि चंद्रयान 4 और 5 के डिजाइन पूरे हो गए हैं। स्पेस एजेंसी को सरकार की मंजूरी का इंतजार है। ये मिशन भारत की लूनर एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाएगा। इसमें चांद की मिट्टी को धरती पर लाया जाएगा। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में 5 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा। इसके लिए डिजाइन का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट मंजूरी के लिए सरकार को सौंप दी गई है। ये स्टेशन स्पेस में एस्ट्रोनॉट का ठिकाना होगा। इसरो 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने पर काम कर रहा है। अभी अमेरिका ही ऐसा देश है जो चांद पर इंसानों को भेज चुका है। चीन भी 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर पहुंचाने पर काम कर रहा है। दुनिया में रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान ही ऐसे देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अमेरिका और चीन तेजी से चंद्रमा पर इंसानों का बेस बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। 28 अगस्त 2023 को लैंडर में लगे चास्टे पेलोड से पता चला था कि चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस तो 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसरो ने 29 अगस्त 2023 को बताया था कि रोवर पर लगे लिप्स पेलोड ने साउथ पोल पर सल्फर का पता लगाया। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैगजीन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता चला था। 31 अगस्त को इसरो ने बताया था लैंडर पर लगे लैंगम्यूर प्रोब पेलोड ने साउथ पोल रीजन में लूनर प्लाज्मा वातावरण का पहला माप लिया था। इसमें पता चला कि चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा कम घना है। इसरो ने 30 सितंबर को विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर दोबारा लैंडिंग कराई थी। इसरो ने बताया कि लैंडर को 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया गया और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित लैंड करा दिया।